यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं पंचकुला में कांग्रेस ने रोजगार बचाओ हरियाणा बचाओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के तीन संगठन हरियाणा कृषक समाज, हरियाणा महिला कांग्रेस और हरियाणा किसान मजदूर संगठन 18 अप्रैल को पंचकुला में रोजगार बचाओ हरियाणा बचाओ नाम से धरना देगी, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला करेंगे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया और भ्रष्टाचार सरकार बताया। कांग्रेस, हरियाणा किसान खेत मजदूर कांग्रेस और हरियाणा कृषक समाज, तीन संगठनों ने निर्णय लिया कि हरियाणा में जिस तरीके से भरे बाजार में हरियाणा के युवाओं का हित बेचा जा रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पकड़े जाने के बाद भी जब सरकार खुद मानती है ना तो उस आयोग को भंग किया गया, ना ही कोई उस पर एक्शन हुआ है, खट्टर सरकार से हम इस्तीफा भी मांगते हैं। और इन तीनों संगठनों ने निर्णय लिया कि माननीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में एक दिन का 18 अप्रैल को 2018 को सेक्टर 5 के धरना स्थल पर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जाएगा, जिसमें तमाम जिलों से, हरियाणा के हर जिले से 50 से 100 नौजवान हिस्सा लेंगे और सरकार के खिलाफ रणनीति तय करेंगे।